आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। छेड़छाड़ के शिकार पीड़ित नाबालिग लड़की को पुलिस ने थाने से भगाया। पूरा मामला कोतवाली सफीपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गहौली का है, जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर हैं, वहीं एक मामला कोतवाली सफीपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गहौली का है, जहां पीड़िता ने प्रार्थना पत्र कोतवाली सफीपुर में दिया न्याय की आस में, परंतु क्षेत्रीय दरोगा ने बिना कार्रवाई किए पीड़िता को चलता कर दिया। जहां मुन्नू उर्फ राम प्रसाद ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पुत्री खेत से जा आ रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही शांति और विमला ने उनकी पुत्री को पकड़ा और पीटने लगी। इतने में मुलायम पुत्र गया और प्रसाद आकर पुत्री से अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब हम लोग मौके पर पहुंचे तब वह लोग छोड़कर भाग गए। घटना के बाद जब पीड़ित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया तो हल्का इंचार्ज सत्येंद्र कुमार दरोगा ने कार्रवाई करने का बजाय उल्टा पीड़िता को ही डांट फटकार लगाकर चलता कर दिया। अब देखना है कि पीड़िता को न्याय मिलता है पुलिस की शरण में क्या नहीं। लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नैमिष विश्वकर्मा की खबर उन्नाव से। क्या नाम है दादा? राम प्रसाद। कहाँ रहते हैं? गहौली। क्या मामला था जो आप थाने आए हैं? अरे सर, हमारी लड़की को लोगों ने छेड़छाड़ करके दो महिला दो तीन पुरुष उन्होंने गिराया। कहाँ पे गिराया? खेत के ऊपर। क्या मामला था? कोई मामला नहीं, रास्ते पे मतलब बोझा रखे आ रही थी। अच्छा, ये लोग गाड़ा लगे थे, हम खेत में बैठे, हमको ये कुछ नहीं मालूम था, ये लोगों ने गाड़ा लगा रखा। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या किया वहाँ से? हमने जब लड़की चिल्लाई चीखी तब वहाँ से दौड़े, तब से लोग भागने लगे। अच्छा, थाने में शिकायत किया आपने? थाने में सर हमने शिकायत दिया। क्या बताया थाने में? वो हमसे कह रहे हैं दो साल पुरानी लड़ाई की लड़की के कारण उसको फोड़ फाड़ दिया, ये किया वो किया, हमें उल्टा सीधी बात करने, ज्यादा बात मत करिए या थाने से जाइए। अच्छा, तो आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई या नहीं की गई? केवल हमारी जो दरखास्त ले ली गई, हमको कुछ दिया नहीं जाए प्रूफ, हमारे पास नकल है। अच्छा अच्छा, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।